हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में हमें निकलना है कहीं, तो मैं उसके लिए पैकिंग कर रही हूँ कि कौन सी ड्रेस मैं रखूँ, क्या क्या ले जाना है मुझे, उसके लिए मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। हे फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हमारी कहीं जाने की प्लानिंग कर रही है, तो मैं अभी बस चाय वगैरह पी के, हम सब लोग फ्री हैं अभी। प्रशांत और प्रिंसी, प्रशांत आ गया था रात को और प्रिंसी अभी बैठी हुई है, और तो हमने पी ली, हमारी चाय हो गई और मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए। कुछ अच्छा सा कुछ बना लें, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब लास्ट टाइम कहीं जाएँ, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ और फिर घर से ही कुछ ले जाएँ। वैसे भी बाहर अभी इतना सेफ भी नहीं है इतना बाहर खाना, तो हम घर के लिए कुछ बना लेते हैं। और यहाँ पे प्रिंसी प्रशांत अभी तक लेटे हुए हैं, बेड पे ही हैं, और देखो हानिया का रैबिट भी ऊपर रखा हुआ है, हानिया भी सो रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ नाश्ते के लिए। कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इतनी जल्दी बाहर तो कहीं मिलेगा भी नहीं इतनी जल्दी। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम हो गया और मैंने यहाँ पे पहले गाय के लिए पूरी निकाली और उसके बाद मैंने अपने लिए सारी पूरियाँ पैक कर दी हैं। और घर पे भी किट्टू और भैया रह गए थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बना के गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग जाते हैं, तो इसलिए मैं पूरा खाना रेडी करके गई थी, इसलिए अर्ली मॉर्निंग मुझे जल्दी उठना पड़ा। और यहाँ पर जल्दी जल्दी फ्राई कर दिए थे मैंने आलू जीरा वाले, और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, और पूरी के साथ तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे मेरे साइड में बैठा हुआ है प्रशांत और हम निकल चुके हैं। आप भी चलिए हमारे साथ घूमने के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक ब्लॉग में, और बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, तो हम यहाँ पे डीजल डलवा रहे हैं और चले हम अभी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे है ना। कहाँ जा रही है? अच्छा, तो हम रोड साइड कहीं हाईवे पे साइड में कहीं रुके थे, गाड़ी रुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से चलते चलते थक चुके थे, तो थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी। और यहाँ पे हमने गाड़ी का अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन कराया था, और यहाँ पे आप बैक साइड देख सकते हो, पूरा ग्रीन ग्रीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा था हाईवे साइड। तो फिर चलते हैं अपने रोड ट्रिप पे। और यहाँ पे हमारी गाड़ी को रोक लिया था ये PCR जो खड़ी है उन्होंने, पुलिस वालों ने, और फिर हम इनसे बात करने गए हैं क्यों रोका, क्योंकि सब सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पूरे हैं। फिर हमने वहाँ से निकल कर थोड़ा सा दूर चलते एक रेस्टोरेंट था रोड साइड, होटल था, वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी अपनी। अच्छा, तो अब हम चाय पी रहे हैं। Check.
क्यों रुकी हो आप यहाँ पे चाय पीने? चाय पियोगी? चाय पियोगे हैं? चाय पियोगे? अच्छा हाँ आवाज आ रही है। अच्छा यहाँ पे प्रीति कुछ देख रही है मेन्यू। यहाँ पे हमने चाय और वेजिटेबल ग्रिल सैंडविच हमने ऑर्डर कर दी थी और फिर अब मैं साथ में खाना भी लेकर आई थी, साथ में वो भी खाया हमने। मैं यहाँ पे खाना बना के लाई थी ना, अब उसको हम खा लेंगे। और और हमारी चाय अभी आ रही है और ये प्रशांत बेटा है, विक्की बेटा है और अभी रवि जी खाने को कुछ दिलाने गए हुए हैं। प्रिंसी कहाँ घूम रही है? अच्छा तो प्रिंसी हैंड वॉश करने गई है। निकालना बता दो, रास्ते में जो खाने का मजा है ना वो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजे का। पाँच चाय और मैं यहाँ पे बनाई थी आलू वाली जीरे की सब्जी और फ्राइड मिर्ची और यहाँ पे है अचार और हमारी पूरियाँ लगभग फिनिश। और हानिया भी चाय पी रही है, हानिया को चाय पसंद है ना, तो अब ये पीने लग गई है। मैं वैसे तो देती नहीं हूँ बट अब थोड़ा थोड़ा सा पीने लग गई थी सर्दियों में। और यहाँ पे हानिया ने यहाँ पे बाहर टॉयज़ की शॉप थी तो उससे इसने टॉयज़ ले लिए। ओके फिनिश कर दो जल्दी। हाँ अब नहीं इसने मिलाई। वो भी जा रहा है वो वाला रोड सिंगल अजीया जी आगे मैं गया हूं उससे कितने पर गया हूं वो क्या आ गया ये ट्रैक आ गया है गाड़ी पे आगे ग्लास पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनमें और बस कुछ अच्छा व्यू आएगा तो हम मैं शेयर करती रहूंगी
देखिए इतना अच्छा लग रहा था इंडियन आर्मी को देख के, और इतनी सारी आर्मी की गाड़ियां थी, और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं मुझे, क्योंकि बचपन से एक अलग सा कनेक्शन होता है ना। बचपन में जब छोटे थे तो दिखती थी कहीं भी तो बाय बाय करते थे, तो उस तरह से मतलब बचपन याद आ गया और काफी अच्छा लगा। बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी की, और इतना दूर घर से बाहर होते हैं हम लोगों के लिए, अपने देश के लिए, तो दिल से रेस्पेक्ट। सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे, तो साइड में जो ट्रीज है ना वो एकदम सूखे सूखे काफी अच्छे लग रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन पे यानी जोधपुर, हम जा रहे थे जोधपुर, जो हम पहुंच चुके हैं, और ये है जोधपुर का आर्मी एरिया, और जोधपुर भी काफी अच्छा लगा मुझे। पूरा रेड रेड मतलब पत्थर से ऐसा बना हुआ है, तो अच्छा लग रहा था वहां पे काफी। और यहाँ पे इतनी बड़ी तोप देखी थी, इसको क्या बोलते हैं और अगर मैंने गलत बोला हो तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो यहाँ की खासियत तो बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ रोड साइड क्या है इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जो कि गर्मियों में इतना सुकून देते हैं, रोड साइड पेड़ हो और गर्मियाँ तेज धूप हो तो छाया का काम करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, और ऑक्सीजन भी मिलती है, तो ट्रीज को जितना हो सके उतना सेव करें। और हम पहुंच चुके हैं जो हमने रिसॉर्ट बुक करा था वहां पे हम पहुंच चुके हैं, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल एंट्रेंस थी इसकी, और ये रिसॉर्ट भी काफ़ी ब्यूटीफुल था, देखकर ही मज़ा आ गया था। जोधपुर में, और फिर आइए देखते हैं कैसा है क्या है, वो मैं आपको पूरे वीडियोस में दिखाऊं। तो अब हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए ना, तो यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप देख सकते हो यार ये पिंक। पूल एरिया है और काफी अट्रैक्टिव लगा मुझे। ओके, तो डे टाइम में रिसॉर्ट कुछ इस तरह से दिखता है और काफी अच्छा लगा मुझे, और हमारे रूम बुक हो चुके हैं, और
और यहाँ पे ब्यूटीफुल ग्रीनरी थी और फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पे फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और आप यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हो और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी थी और सब सब चीज़ बेस्ट थी। तो आप जोधपुर जाओ तो यहाँ पे ज़रूर स्टे कर सकते हो। ये था हमारा ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। यहाँ पे आने का मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और काफी अच्छा स्टे रहा हमारा यहाँ पे। रूम अपना फाइनल कर लिया है 109 और 107। और ये मुझे लोकेशन अच्छी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे पूल साइड है और ब्लू ब्लू दिखेगा तो काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। और हाने आना के मामा दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा तो ये था हमारा रूम। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।